हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में आज। एंड पिछले दिनों काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दिया है, हालांकि ओवरऑल मार्केट को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में एक तो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ इस न्यू प्लान, जो नियो करके एनईओ करके एक नया प्लान जारी किया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, जो काउंटर द डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस प्लान्स। तो वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसकी वजह से जो बाइंग आई है इसमें, जो डिलीवरी परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो एक तो उसकी बात करेंगे और दूसरी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर किसी ने बाय कर रखा है और काफी टाइम से ये डाउनवर्ड ही जा रहा है स्टॉक, अगर हम इसका 1 महीने का चार्ट देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि 465 के आसपास था और वहां से ये नीचे ही गया है। और कुछ दिन पहले जनवरी 18 को 426 का लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया, बट वहां से फिर मार्केट दबाव में आ गया, तो उसकी वजह से ये और ज्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट में आ गया। तो ये बात करेंगे क्या होल्ड करें, कितना टारगेट लेके चल सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो अभी 11 बज रहे हैं आसपास और आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा खासा ट्रेड हो चुका है, 1.5 मिलियन का वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। आप 1.5 मिलियन का वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है, मैं लेके चलता हूँ डिलीवरी परसेंटेज पे डायरेक्टली आपको। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर हम 19 जनवरी को बात करें, 18 की बात करें, उससे पहले हम चलते हैं 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को 42% के आसपास हमारा डिलीवरी ली गई, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बाय किया गया। अब आप देखिए इंट्राडे ऑन है इसमें, बट स्टिल अगर डिलीवरी 42% स्टॉक्स की डिलीवरी ली जा रही है, इसका मतलब है कि 5,60,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे उस दिन, एंड 2,37,000 शेयर्स की लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी ली गई है। अच्छा खासा स्टॉक इसमें डिलीवरी ली जा रही है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में इसका एक एक जो टारगेट है वो बहुत अच्छा है, इसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, विजन और प्लान्स जो है इसके, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है इसके, वो बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से इतनी ज्यादा डिलीवरी ली जा रही है। उस दिन 5,60,000 शेयर ट्रेड हुए, एंड देन 4,05,000, नेक्स्ट डे 56% डिलीवरी थी हमारी, उससे 52%, देन 63% की डिलीवरी हमारी, 8,80,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुए, 8,30,000 शेयर ट्रेड हुए, और 1.1 मिलियन 20 जनवरी को, 6,64,000 21 जनवरी को शेयर ट्रेड हुए, 1.3 मिलियन 22 जनवरी को शेयर ट्रेड हुए, एंड उसके बाद 1.2 मिलियन। और आज देखिए अभी तक आप देखेंगे तो 1.5 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। तो एक वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, और दूसरी डिलीवरी में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर डिलीवरी बढ़ रही है इसका मतलब आने वाले समय में जो अक्यूमुलेट कर रहे थे लोग शेयर्स को, वो अक्यूमुलेशन का जोन खत्म हो चुका है, और आने वाले समय में अच्छा खासा इसमें एक बाइंग मूवमेंट और एक टारगेट रैली देखने को मिल सकती है। अब टारगेट कितना होना चाहिए हम उसकी भी बात करेंगे, बट उससे पहले लेकर चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आपको, और न्यू प्लान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले हम, तो हमने प्रमोटर्स का 75% है, एंड दे हैव डिक्रीज्ड इट बाय 2.22%। सो डिक्रीज करने का कोई खास मतलब नहीं होता, एज लॉन्ग एज दे हैव अराउंड 70-75% शेयर होल्डिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर उनके पास 70-75% के आसपास की शेयर होल्डिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा होती है तो एक कमजोर इंस्टीट्यूशन की फीलिंग आती है कि ज्यादा तक शेयर्स अगर उन्होंने अपने पास ही रखे हैं तो ये एक कमजोर कंपनी की निशानी मानी जाएगी हमें। 75 तक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीज किया है तो ये अच्छी बात है कि मतलब वो अपने पास से शेयर्स बाहर पब्लिक के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, FII FPI के लिए निकाल रहे हैं, तो वो अच्छी बात है हमारी। FII ने अपने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था 0.62% से दिसंबर क्वार्टर में, मैं आपको वो दिखा दूँ कि दिसंबर क्वार्टर FII FPI इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 3.98% टू 4.6% इन दिसंबर क्वार्टर। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली थी हमें। FII FPI का नंबर इंक्रीज हुआ था, 148 से पहले 168 FII FPI इन्वॉल्व है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की थी 7.59% टू 7.07% ऑलमोस्ट कर दी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हालांकि बढ़ गई हैं, 15 से 17 हो गई हैं। अब ओवरऑल शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखिए हम तो काफी ठीक ठाक दिखाई देता है हमें यहाँ पे। एंड अगर इसकी बात करें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डाउनवर्ड क्यों गया, तो डाउनवर्ड जाने के कई सारे रीजन रहे हैं। आप देखिए कि डिस्काउंट ब्रोकरेज जब से आया है तब से ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो थोड़ा सा दबाव में दिखाई दिए हैं, चाहे कोई भी हो, सिर्फ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ही नहीं, बाकी भी आप देखेंगे तो वह दबाव में दिखाई दिए, मोतीलाल ओसवाल हो गया या और जो है जितने भी हैं हमारे ट्रेडिशनल ब्रोकरेज, SBI हो गया, तो वहां पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया है हमें, या सिक्योरिटीज हो गया इस बैंक का जो है, तो वहां पे दबाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ब्रोकरेज प्लान होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली होता है डिस्काउंट ब्रोकरेज के कंपैरिजन में, इनकी सर्विसेज भी उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा होती है। हालांकि जो जो एक रिटेल इन्वेस्टर को सर्विसेज चाहिए वो डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस पूरी करता है और वहां से हमारा काम चल जाता है। बट डिस्काउंट ब्रोकरेज में क्या है कि आपको अलग से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपको लिंक करना पड़ता है ताकि फंड आपको ट्रांसफर हो सके। बट ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस में जाते हो तो वहां पे आपको बैंक अकाउंट लिंक नहीं करना पड़ता, वहां से वो डायरेक्टली हो जाता है काम हमारा। तो
तो अब आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने नया प्लान लॉन्च किया है नियो करके, NEO, ताकि उस प्लान के जरिए ये डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस को भी काउंटर कर सके एंड ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउसेस को भी काउंटर कर सके। दोनों को काउंटर करने के लिए ये प्लान की बहुत सारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये जो प्लान लॉन्च हुआ इसका काफी ज्यादा चर्चा बनी रही पिछले दिनों, काफी ज्यादा खबरों में रहा है। और जब भी कोई स्टॉक खबरों में रहता है किसी प्लान को लेकर, तो वो प्लान अच्छा चल रहा होता है। आप देखिए कभी भी कोई स्टॉक जो आप यूज करते हैं, चाहे हो गया डालमिया भारत हो गया, ये टाटा हो गया, अगर उसके प्रोडक्ट का ज्यादा एड न्यूज टीवी पे आने लगता है तो उसके शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखाई देती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अब हम आपको चार्ट पर लेके चलते हैं कि हमारा चार्ट किस तरह का दिखाई देता है। तो ये हमारा चार्ट है एंड मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर दूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो एक 415 के आसपास हमारा एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देता है। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 455 460 के बीच में बनता हुआ एक दिखाई देता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो खबरें हैं हमारी, हमारा जो टारगेट है 650 रुपए का टारगेट है हमारा फॉर शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म में इस समय पर। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है कि 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए ये अच्छा खासा हमें मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, 456 के आसपास हमारा स्टॉक जा सकता है। हालांकि RSI हमारा ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के बीच में है और MACD की बात करें तो बेयरिश जोन में जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ द न्यू प्लान उम्मीद करते हैं कि ये जो ICICI सिक्योरिटीज है वो अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले समय में दिखाएगा हमें। अच्छा अब करना क्या है, जिसने बाय नहीं कर रखा है उसे बाय नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने बाय नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू नॉट एंटर इनटू दिस स्टॉक। अगर आपने बाय किया हुआ और आप निकलने की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, आप स्टे करें और इसमें अच्छा खासा मुनाफा आप आने वाले समय में बना सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 490 के आसपास दिखाई देता है एंड अगर हम अपनी स्टॉक प्राइस टारगेट की बात करें तो वो अराउंड 650 के आसपास हमें दिखाई देता है। तो 650 का आपका टारगेट रहेगा एंड RSI हमारा ठीक ठाक जोन में दिखाई देता है। ICICI सिक्योरिटीज के ओवरऑल चार्ट की बात करें तो काफी वीक चार्ट दिखाई दिया है हमें एंड ओवरऑल पिछले दिनों मार्केट भी काफी दबाव में रहा और वो जो एक साइडवेज में ट्रेवल था ट्रेवलिंग वो यहाँ पर चलते हुए दिखाई दी है। अब मुझे लगता है कि साइडवेज की ट्रेवलिंग जो यहाँ इस जोन में बन रही थी वो नहीं बनेगी एंड ये स्टॉक ऊपर शूट अप करेगा करेगा, ठीक है। अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हूँ, 460 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस है। आज ही 4% के आसपास हमारा स्टॉक डाउन रहा है लगभग इस समय पर। और जो खबरें आई हैं न्यू प्लान की, जो फीचर्स आए हैं, जो खबरें अभी टीवी पर चल रही हैं और जो चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला है, RSI में जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया है और डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए कितना अच्छा खासा हो रहा है, तो आने वाला समय ठीक ठाक है इसका। बाय नहीं कर रखा है तो बाय मत करना, बट अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करने की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी कि आप होल्ड करते हो तो 650 रुपए तक का टारगेट आप इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।